बजाज ने अपनी प्लाटिना 110 का 72,500 रुपए की दिल्ली एक्सशोरूम कीमत पर ABS वाला वेरिएंट लॉन्च किया, जिसमें कि आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं और ये सेगमेंट की आज के टाइम में सबसे सेफेस्ट मोटरसाइकिल बन गई है, क्योंकि यही इकलौती मोटरसाइकिल है जिसमें कि आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए जा रहे हैं। अब दोस्तों, इस पर मैंने भी काफ़ी कंटेंट बनाया, इसके कलर ऑप्शंस के बारे में बात की, इसका रिव्यू किया और उसके बाद मैंने इसको इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल यानी कि हीरो स्प्लेंडर प्लस के साथ कंपेयर भी किया और देखा गया कि दोनों ही मोटरसाइकिल में 72,500 रुपए की दिल्ली एक्सशोरूम कीमत पर कौन आपको क्या दे रहा है। तो फिर ये जो प्लाटिना 110 है, यही हर मामले में बेहतर दिखाई दी और बेचारी हीरो स्प्लेंडर प्लस ये प्लाटिना 110 के आगे किसी भी मामले में टिक नहीं पाई। और जो कमेंट में आप लोगों का रेस्पॉन्स आया उससे भी यही पता चला है कि आज के टाइम में आप लोगों को भी ये प्लाटिना 110 ही ज़्यादा पसंद आ रही है। तो दोस्तों, ऐसे में देखिए, जब स्प्लेंडर इसके आगे टिक नहीं पाई तो फिर मैं मार्केट में ढूंढने निकला कि इसके लिए एक अच्छा सा कॉम्पिटिटर लेकर के आया जाए। तो फिर मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ ये TVS रेडियन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाली, क्योंकि इसमें भी आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है और इसमें भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आता है, लेकिन इसका जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डिस्क ब्रेक वाला वेरियंट है उसकी दिल्ली एक्सशोरूम की मतलब 89,000 रुपए के आसपास है। तो दोस्तों देखिए, कीमतों के हिसाब से तो प्लाटिना आपको 7-8,000 रुपए सस्ती पड़ने वाली है, लेकिन इसके अलावा और बाकी सभी पैरामीटर्स पर कौन सी मोटरसाइकिल का पलड़ा ज्यादा बेहतर है और आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए, वही सारी की सारी बातें आज की वीडियो में आपसे करने वाला हूं। और सबसे पहले इन दोनों ही मोटरसाइकिल के डिज़ाइन, लुक्स और बिल्ड क्वालिटी के मामले में बात की जाए तो दोस्तों देखिए, लुक्स तो यहाँ पर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी कि आपको इन दोनों में से ही कौन सी मोटरसाइकिल देखने में ज़्यादा बेहतर लगती है। बाकी इस सेगमेंट में आप ये लुक्स के मामले में कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे तो ये TVS रेडियन ये देखने में थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लग रही है। और बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी जब आप इन दोनों ही मोटरसाइकिल को थोड़ा सा ठोक बजा करके देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो TVS रेडियन है, इसकी प्लास्टिक क्वालिटी प्लैटिना वाली क्वालिटी से थोड़ी सी बेहतर है और बिल्ड क्वालिटी के मामले में ओवरऑल भी ये रेडियन ही प्लैटिना से थोड़ी सी बेहतर है। पैनल गैप्स के मामले में अगर आप बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको थोड़े बहुत पैनल गैप्स दिखाई देंगे, लेकिन इन मामलों में जो प्लैटिना है यहाँ पर आपको थोड़ी इतनी ज़्यादा सफाई दिखाई नहीं देगी। और फिट एंड फिनिश के मामले में भी जब ये दोनों ही मोटरसाइकिल बराबर में आपकी खड़ी होगी तो आपको ये जो रेडियन है यही थोड़ी सी बेहतर लगेगी, मतलब कि डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी के मामले में मेरे हिसाब से तो रेडियन मुझे प्लैटिना से थोड़ी सी बेहतर लग रही है। लाइट्स और इंडिकेटर्स के मामले में दोनों ही मोटरसाइकिल के फ्रंट में आपको हेलोजन बल्ब वाले हेडलैम्प दिए जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको हेलोजन बल्ब वाले ही दिए जाते हैं और जो DRL से वो दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको दिए जाते हैं, लेकिन ये जो प्लैटिना वाले हैं ये आपको हेडलैम्प के ऊपर प्लेस करके दे रखे हैं, वहीं पर जो ये रेडियन है इसमें ये DRLs आपको हेडलैम्प के नीचे प्लेस करके दे रखे हैं। बाकी अगर आप टेल लैम्प्स के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही मोटरसाइकिल सिमिलर है, दोनों ही मोटरसाइकिल के रियर में आपको हेलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर्स और हेलोजन बल्ब वाले ही टेल लैंप्स दिए जाते हैं, मतलब लाइट्स की टेक्नोलॉजी दोनों ही मोटरसाइकिल की सेम है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली बात करते हैं तो दोस्तों ये जो रेडियन वाला हेडलैम्प है ये प्लैटिना वाले से थोड़ा सा बड़ा भी है और रात को इसी की लाइट की थ्रो ज़्यादा अच्छे से पड़ती है। व्हील्स, सस्पेंशन, टायर्स और ब्रेक्स के मामले में दोनों ही मोटरसाइकिल के फ्रंट में आपको काफ़ी ऑर्डिनरी से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए जाते हैं और दोनों ही मोटरसाइकिल में आपके पास ऑप्शन है कि आप इन मोटरसाइकिल्स को ड्रम ब्रेक के साथ भी खरीद सकते हैं और दोनों ही मोटरसाइकिल के डिस्क ब्रेक वाले वेरियंट भी आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये प्लैटिना को डिस्क ब्रेक के साथ खरीदते हैं तो फिर इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया जाता है, मतलब कि ब्रेक्स और सेफ्टी के मामले में ये प्लैटिना ही रेडियन से बेहतर है। बाकी अगर आप टायर्स के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही मोटरसाइकिल में थोड़ा सा फर्क है और वो है व्हील साइज का। ये जो प्लैटिना है इसके फ्रंट और रियर दोनों ही जगह आपको 17 इंचेस के व्हील दिए जाते हैं और ट्यूबलेस टायर्स दिए जाते हैं, वहीं पर ये जो रेडियन है यहाँ पर भी आपको ट्यूबलेस टायर्स तो दे रखे हैं लेकिन रेडियन में फ्रंट और रियर दोनों ही जगह आपको 18 इंचेस के व्हील दिए जाते हैं। बाकी अगर आप दोनों ही मोटरसाइकिल के रियर ब्रेक्स के मामले में बात करते हैं तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल के रियर में आपको ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन दिया जाता है। और अगर आप सस्पेंशन के मामले में बात करें तो दोस्तों देखिए, दोनों ही मोटरसाइकिल के रियर में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन तो दे रखे हैं लेकिन ये जो प्लैटिना वाले शॉक एब्जॉर्बर्स है ये आपको गैस चार्ज दे रखे, वहीं पर ये जो रेडियन है इसमें आपको सिंपल वाले ही दे रखे। बाकी सस्पेंशंस के मामले में दोनों ही मोटरसाइकिल्स की परफॉर्मेंस कैसी है उसकी बातें मैं आपसे वीडियो में आगे करूंगा। फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको कट ऑफ साइड स्टैंड दिया जाता है। अगर आप स्टीयरिंग कंट्रोल्स के मामले में बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों ही मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको पास स्विच, लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न स्विच और राइट हैंडल पर आपको हेडलैम्प का स्विच दिया जाता है। जैसे कि इन दोनों ही मोटरसाइकिल में DRLs आते हैं तो मतलब इनका हेडलैम्प आपको मैनुअली खुद से ही ओपन करना होता है, जो कि आपके लिए अच्छी बात है। और नीचे इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन हो गया। और ये तो आपने प्लैटिना के कंट्रोल्स देख लिए, अब अगर आप ये रेडियन के कंट्रोल्स
देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको ऐसे ही कंट्रोल्स दे रखे हैं, पास स्विच हो गया और ये जो हेडलैम्प है इसका बटन आपको खुद से ही ऑन करना है। लेकिन दोस्तों अगर आप इनकी क्वालिटी को देखोगे या फिर इनके साइज को देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जो TVS रेडियो ने इसकी जो बटन्स की क्वालिटी वो थोड़ी सी बेहतर है। और फीचर्स के मामले में TVS रेडियो में आपको USB चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया जाता है, इधर आप अपना USB केबल लगा करके अपना फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको बेस्ट इन सेगमेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फीचर्स दिए जाते हैं, क्योंकि अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो ये आपको फुल्ली डिजिटल दे रखा है, थोड़ा सा कलरफुल भी है, ऊपर आपको टैकोमीटर दे रखा है, स्पीडोमीटर हो गया, ऑडोमीटर हो गया, डिजिटल क्लॉक हो गई, फ्यूल गेज हो गया। उसके बाद अगर आप ट्रिप मीटर्स के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको दो दो ट्रिप मीटर दे रखे हैं, ट्रिप ए पी है, ट्रिप बी भी है, और फिर ये एवरेज फ्यूल कंजप्शन भी आपको दिखाएगी कि आपकी मोटरसाइकिल रियल टाइम में क्या माइलेज दे रही है, ये भी आपको दिखता रहेगा। वहीं पर दोस्तों अगर आप ये प्लैटिना की बात करते हैं तो इसमें आपको कोई भी USB चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दे रखा है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में इसमें आपको डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, स्पीडोमीटर एनालॉग वाला हो गया, और उसके बराबर में काफ़ी अच्छे साइज की आपको डिस्प्ले भी दी जाती है, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे तो इसमें आपको गियर इंडिकेटर दिया जाता है, यानी कि मोटरसाइकिल बताएगी कि मोटरसाइकिल कौन से गियर में पड़ी है। गियर इंडिकेटर के बराबर में डिजिटल क्लॉक प्लैटिना में भी दे रखी है, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा छोटा है बाकी ट्रिप मीटर के मामले में। प्लैटिना में आपको बस एक ही ट्रिप मीटर दी जाती है, अगर आप ये S वाला बटन दोबारा से दबा देते तो ये फिर से ऑडोमीटर पर आ जाता है। फ्यूल गेज इसमें भी दे रखा है, लो बैटरी की वार्निंग आ रही है। तो दोस्तों देखिए प्लैटिना में एक फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है और वो है गियर इंडिकेटर का। बाकी दोस्तों अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो फिर ये जो रेडियोन वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यही देखने में भी थोड़ा सा ज्यादा बेहतर लगता है, और इसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है, इसकी विजिबिलिटी भी अच्छी है, इसमें सारी चीजें आपको काफी अच्छे से शो हो रही है। सीट स्पेस कंफर्ट और कन्वीनियंस के मामले में दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको काफ़ी बड़ी बड़ी सीट दी जाती है। आप पहले ये रेडियन वाली सीट देख लीजिए, ये भी काफ़ी लंबी है और काफ़ी ब्रॉड भी है, इस पर भी आपको अलग से एक सीट कवर लगा करके दिया जाता है काफ़ी कुशनी सा, और इस पर भी आपको स्ट्रिपिंग वाला डिज़ाइन दे रखा है। वहीं पर अगर आप प्लैटिना वाली सीट को देखते हैं तो प्लैटिना पर भी आपको एक अलग से कवर लगा करके दिया जाता है, और इधर आपको कंफर्ट टेक लिख करके दिया जाता है कि ये सीट आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली है। और साइज के मामले में ये जो प्लैटिना वाली सीट है ये रेडियन के मुकाबले देखने में भी बड़ी लगती है, और वाकई में भी ये वाली सीट 1-2 इंच रेडियन वाली सीट से थोड़ी सी बड़ी है। तो दोस्तों देखिए अगर आप सिर्फ सीट्स को देखते तो कहीं ना कहीं आपको ये प्लैटिना की सीट ही थोड़ी ज्यादा बेहतर लगेगी। बाकी अगर आप स्पेस के मामले में बात करते तो दोस्तों देखिए जो रेडियन है इस पर आपको एक अलग से लगेज रैक दी जाती है, और इधर आपको एक काफी मजबूत सा हुक दिया जाता है, मतलब कि आप चाहे तो ये रेडियन को आप थोड़ा बहुत हैवी ड्यूटी पर्पज के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर ये जो प्लैटिना है इस पर आपको सिंपल सा ही ग्रैब हैंडल दे और कोई भी ऐसा हुक नहीं दिया जाता है, मतलब कि आप इसको ज्यादा हैवी ड्यूटी पर्पस से इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अगर आप हैवी ड्यूटी पर्पस में बात करें तो ये प्लैटिना को तो बजाज वालों को हैवी ड्यूटी पर्पस से बनाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि बजाज वालों ने ऑलरेडी अपनी सिटी 110X और 125X को पूरा प्रॉपर हैवी ड्यूटी पर्पस के लिए बना रखा है, मतलब हैवी ड्यूटी पर्पस के मामले में बजाज वालों ने आपके लिए अलग से इंतजाम कर रखा है। बाकी अगर आप इन दोनों ही मोटरसाइकिल में कंपेयर करते हैं तो दोस्तों देखिए स्पेस के मामले में या फिर सीट के मामले में तो आपको प्लैटिना थोड़ी सी ज्यादा बेहतर लग सकती है, लेकिन जैसे कि इसमें आपको लगेज रैक दे रखी है या फिर ये हुक एक आपको अलग से दे रखा, तो फिर यूटिलिटी और स्पेस के मामले में तो मुझे TVS रेडियो ही बेहतर लग रही है, बाकी सीट और कंफर्ट के मामले में प्लैटिना आपको थोड़ी सी ज्यादा बेहतर लगेगी। इंजन गियरबॉक्स परफॉर्मेंस और माइलेज के मामले में वैसे तो दोनों ही मोटरसाइकिल 110 सीसी के सेगमेंट की है, और सेगमेंट के हिसाब से ही TVS में तो आपको 110 सीसी का ही एयर कूल्ड इंजन दिया जाता है, जो कि आपकी यही कोई 8 BHP के आसपास की पावर और लगभग 9 Nm के आसपास का टॉर्क निकालता है। और गियरबॉक्स के मामले में इसमें आपको 4-speed गियरबॉक्स ही दिया जाता है। वहीं पर अगर आप प्लैटिना की बात करते तो प्लैटिना के नाम में तो 110 है, लेकिन प्लैटिना में आपको 115 सीसी का एयर कूल्ड इंजन दिया जाता है, मतलब कि सीसी के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। गियरबॉक्स के मामले में इसमें आपको 5-speed गियरबॉक्स दिया जाता है, मतलब कि रेडियन के मुकाबले आपको एक गियर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। पावर फिगर्स की आप बात करते हैं तो यहाँ पर भी प्लैटिना पीछे नहीं है, प्लैटिना का इंजन लगभग 8.5 BHP के आसपास की पावर और लगभग 10 Nm का टॉर्क निकालता है, मतलब कि ऑन पेपर प्लैटिना वाला इंजन ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दोस्तों अगर प्रैक्टिकली बात करोगे तो फिर ये जो TVS रेडियो ने ये चलाते हुए आवाज थोड़ी सी ज्यादा अच्छी निकालती है, और इसकी आवाज थोड़ी सी थंपी लगती है, और चलाते हुए इसको थोड़ा सा मजा आता है, और ये रेडियो थोड़ी सी पावरफुल भी फील होती है, मतलब कि ऑन पेपर भले ही प्लैटिना थोड़ी सी ज्यादा पावर निकाल रही हो लेकिन चलाने के मामले में, पिकअप के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में ऐसी कोई भी दोनों ही मोटरसाइकिल में दिक्कत नहीं आती। और बस जो एक दिक्कत आती है वो गियर्स की आती है, मतलब कि अगर आप सोचिए 50 की स्पीड पर आप चल रहे हैं तो आप दोनों ही मोटरसाइकिल को टॉप गियर में चलाएंगे,
प्लाटिना को आप पांचवें गियर में चलाएंगे, रेडियन को आप चौथे गियर में चलाएंगे, तो वहां पर अगर आपको मतलब अगर आपको ओवरटेक करना है तो वहां पर आपको प्लाटिना में थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाएंगी कि आप अपना एक गियर डाउन करके आराम से ओवरटेक कर लेंगे और फिर से अपने फिफ्थ गियर में आ जाएंगे। वहीं पर आपको रेडियन को वही फोर्थ गियर में थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। और माइलेज के मामले में भी दोस्तों, अगर आप प्लाटिना को तमीज से चलाते हैं, प्लाटिना को आप आराम से चलाते हैं, तो फिर इस मामले में प्लाटिना ही आपको रेडियन से ज़्यादा अच्छा माइलेज दे देगी। वैसे तो माइलेज के मामले में अगर आप ओवरऑल देखोगे तो दोनों ही मोटरसाइकिल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर आप प्लाटिना को और थोड़ा तमीज से चलाएंगे, प्लाटिना को बिल्कुल आराम से चलाएंगे, तो फिर यही आपको और अच्छे से ज़्यादा माइलेज निकाल करके दे पाएगी। और हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के मामले में प्लाटिना का कर्व वेट 120 किलो के आसपास है, और ये जो रेडियन है इसका भी जो कर्व वेट है वो 116 किलो के आसपास है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और हैंडल करने में तो आपको कोई भी मोटरसाइकिल से कोई भी शिकायत नहीं आएगी, लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में अगर आप हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करोगे तो फिर उन मामलों में ये टीवीएस रेडियन मुझे थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर लगती है। और ब्रेक्स के मामले में वैसे तो रेडियन में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें भी आपको ड्रम और डिस्क दोनों ही ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे कि प्लैटिना में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दे रखे हैं, तो ब्रेक्स के मामले में प्लैटिना के पास ही एडवांटेज है, और ओवरऑल प्लैटिना ही आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगी और ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर आप बात करते हैं सस्पेंशन की, तो दोस्तों देखिए प्लैटिना के भी सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन प्लैटिना के जो सस्पेंशन हैं वो ज़्यादा थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। मतलब अगर आपको शहर में चलना है तो फिर प्लैटिना आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, पिलियन के लिए प्लैटिना ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि इसके जो फुटरेस्ट है ये भी आपको काफ़ी बड़े बड़े दिए जाते हैं पिलियन के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपको ख़राब रास्तों पर चलाना है और आपकी मोटरसाइकिल ज़्यादा ख़राब रास्तों पर चलने वाली है, तो फिर इन मामलों में मुझे टीवीएस रेडियन के सस्पेंशन की ट्यूनिंग थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लगती है। और जितनी बातें ये हम प्लैटिना और रेडियन के बारे में कर चुके हैं, इतनी बातें जब मैं ये प्लैटिना और स्प्लेंडर प्लस के बारे में कर रहा था, दोस्तों अब तक तो मतलब लोगों को पता चल चुका था कि हाँ प्लैटिना ही स्प्लेंडर से थोड़ी बेहतर है। लेकिन दोस्तों रेडियन के मामले में अभी तक कोई कन्फ्यूजन क्लियर हुई नहीं है, कभी ये प्लैटिना थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, कभी रेडियन थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिल्कुल मुद्दे की और टू द पॉइंट बिल्कुल क्लियर वर्डिक्ट की, भाई आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सी मोटरसाइकिल बेहतर रहेगी। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको आपकी मोटरसाइकिल आराम से चलानी है, आपको सिटीज़ में भी चलानी है, आपको हाईवे पर भी चलानी है, ख़राब रास्तों पर ज़्यादा लेकर के नहीं जाना है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल जब आप आराम से चलाएं तो वो आपको माइलेज भी अच्छा दे दे, मोटरसाइकिल आपके लिए और आपके जो पीछे बैठे उनके लिए भी कंफर्टेबल रहे, तो फिर ये प्लैटिना इन सभी मामलों में काफ़ी अच्छे से खरी उतरती है। और आप सिटी में चलाओ या फिर हाईवे पर चलाओ, इसमें आपको फिफ्थ गियर की एडवांटेज भी मिलेगी। वहीं पर दोस्तों अगर आप ये रेडियन खरीदते हैं और आप डिस्क ब्रेक वाली ही खरीदते हैं, तो फिर इसके लिए पहले तो आप 7-8 हज़ार रुपये ज़्यादा देने वाले, और 7-8 हज़ार रुपये ज़्यादा देने के बाद भी इसमें आपको फिफ्थ गियर नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों देखिए, जिनकी ज़रूरत थोड़ी सी मतलब एक हैवी ड्यूटी पर्पज़ की मोटरसाइकिल की है, या फिर आपको एक रफ एंड टफ मोटरसाइकिल चाहिए, आपको थोड़ा गाँव में चलानी है, या फिर आपको रास्ते की कंडीशन नहीं देखनी है कि कैसा भी रास्ता है, आपकी मोटरसाइकिल उछल के कूद करके एकदम कहीं से भी निकल करके चली जाए, और आपको थोड़ी मजबूत मोटरसाइकिल चाहिए, तो फिर आपको अपने पैसे टीवीएस रेडियन पर लगाने चाहिए। और माइलेज के मामले में भी 55-60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज तो आपको ये टीवीएस रेडियन भी देती रहेगी। तो दोस्तों यही सब था प्लैटिना 110 एबीएस वर्सेस टीवीएस रेडियन के बारे में। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो बेझिझक आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द मैं आपकी कमेंट पर रिप्लाई दे दूं। और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।